वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम रिचा पटेल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं गई थी गोर घूमने के लिए। आप सबको बताया होगा, मैंने ब्लॉग में डाला ही था। अभी मैं आ भी चुकी हूँ बैंगलोर, और बैंगलोर से अभी मैं वापस जा भी रही हूँ सूरत, क्योंकि मेरा भाई जा रहा है दुबई एक साल के लिए आई थिंक। तो अभी हम मिलने जा रहे हैं उसके लिए। और अभी आपको पता होगा कि हम घर भी सब जमा रहे थे, लगेज वो सब अच्छे से सब जमा लिया है। आप सब बोलोगे कि ब्लॉग नहीं आया उसका, उसका आएगा। मैं वापस घूम कर आऊँगी तब उसका मैं पक्के से ये फ्लैट का होम टूर दूंगी। तो बस अभी फटाफट निकलते हैं, हमारी 12 बजे की ट्रेन है। ध्रुव भी आने वाले हैं, वो 2 दिन के बाद आएंगे क्योंकि उनकी जॉब है, तो वो आएंगे सैटरडे संडे आएंगे। तो अभी हम निकलते हैं, तो अभी फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं। सो अभी कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं चाय और साथ में भाखरी। तो अभी कर रहे हैं हम चाय नाश्ता, भाखरी और चाय, और 2 दिन के बाद मिलेंगे हम। फटाफट आ जाना। ओके ओके, उड़ के आएगा। अभी हम निकल चुके हैं सूरत जाने के लिए बैंगलोर से, और ये रहा हमारा लगेज। बहुत ही कम लगेज था इस बार, और अभी हमने टैक्सी बुक कर ली है, तो ये आ चुकी है हमारी टैक्सी। इस बार लगेज कम है, इस वजह से ज़्यादा ऐसे बैठने में प्रॉब्लम नहीं हुई। बाय बाय बैंगलोर, मिलते हैं थोड़े दिन के बाद। सो अभी हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन जाने के लिए, और ये रेलवे स्टेशन हमारे घर से 2 घंटे का रास्ता है भाई, बहुत ही ज़्यादा दूर है। उसके बाद अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, और हमको जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। तो भाई बहुत ही ज़्यादा चल के जाना पड़ा, और थक चुके थे क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 8 में, और वो भी लगेज के साथ। तो अभी पहुँच चुके हैं, और मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने ये लिए वेज सैंडविच। देखते कैसी है। वैसे मुझे ट्रेन की चीज़ें कम पसंद है, पर ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, एकदम फ्रेश बनाई हुई थी। मम्मी खा रही है राइस नाश्ते में, जो घर से ही बना के लाए थे। और हमारी ट्रेन फाइनली आ चुकी है, और ये मैंने पूरा सेट कर लिया है, जमा लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। बाद में थोड़ी बार नींद लेकर मैं खा रही हूँ थेपला और ये टमाटर की चटनी, और सामने वाले कोई बैठे थे उन्होंने मराठी चटनी दी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और ये देखो मेरे मम्मी पापा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ये एज में आके भी इतनी अच्छे से बातें कर रहे हैं, लव बर्ड्स कितने अच्छे लगते हैं ना। सच बताऊँ यही उम्र में ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है, और ये प्यार देख के भाई किसी की नज़र ना लगे मेरे मम्मी पापा को। उसके बाद ये आया समोसे वाला है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिगड़ गया था आई थिंक। उसके बाद मैंने पी कॉफ़ी, क्योंकि चाय अच्छी नहीं मिल रही थी वहाँ पर। इवनिंग हो चुकी थी, और मैंने खाई भेल, और मुझे भेल बहुत ज़्यादा पसंद है, सूखी वाली भेल बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ये बहुत ही यम्मी बनी थी। बाय बाय गुड नाइट। और ये हो चुका है नेक्स्ट डे, और मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ चाय से, क्योंकि कल मैंने कॉफ़ी पी के परेशान हो चुकी थी। और अभी कोई स्टेशन आया है, और ये अभी आ चुका है पुणे, और यहाँ से हमने लिए पोहे, और ये है आलू वड़े, उसके साथ सांभर दी थी, पता नहीं ये कैसा मतलब कॉम्बिनेशन है, पता नहीं होता होगा। और ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे पुणे साइड। और अभी आ चुका था मुंबई। मुंबई से हमने ली वेज थाली, उसमें 2 सब्जी थी, दाल रोटी राइस और हलवा था। उसके बाद अभी ये सूरत आने ही वाला है, थोड़ा ही टाइम बचा है, तो मैं बस वेट कर रही हूँ। इनफैक्ट सूरत आ चुका है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है सूरत में पैर रखते ही। और अभी मुझे लेने आया है मेरा भाई। हाय, तो
अभी मैं आ चुकी हूँ सूरत, और अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ हेयर में रिबॉन्डिंग करवाने के लिए, क्योंकि मेरे हेयर थोड़े सही नहीं लग रहे मुझे, तो इस वजह से अभी जा रही हूँ। सो अभी मुझे 5 घंटे तो लगने ही वाले हैं और मुझे रात हो जाएगी आते आते, तो लेट्स गो, लेट नहीं हो और फटाफट मैं घर आ जाऊँ। सो अभी मैं निकल चुकी हूँ मेरे हेयर स्ट्रेट करवाने के लिए, और पापा और भाई दोनों आ रहे हैं। दादा बोल, दादा अरे बोलो बोलो दादा। सो अनाया, मैंने कैमरा स्टार्ट किया था उसके पहले दादा दादा बोल रही थी, पता नहीं वो दादा ही सीखी अभी, तो अभी मैंने कैमरा स्टार्ट किया तो वो बोल नहीं रहे, बच्चे ऐसे ही होते। The next day. हेलो, गुड मॉर्निंग। कल रात को मैं बहुत ही लेट आई थी, तो मैंने रिबॉन्डिंग करवाया। आप लोगों को लग ही रहा होगा मेरे हेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और शाइनी हो चुके हैं, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐड करनी हो ना, ऐसे ऑयल वाली वैसे वाले हेयर लग रहे, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो बस अभी ध्रुव भी आने वाले हैं आज फ्लाइट से, क्योंकि कल फ्राइडे था तो उनकी जॉब थी, इस वजह से हमारे साथ नहीं आए थे, तो आज फ्लाइट में आ रहे, तो बस अभी पहुँच जाएंगे वो। अभी आइए हिमांशी मिलने के लिए। हाय प्रियंशी, कौन है गोलू भाई, और इसका नाम क्या है? ये सो अभी हम निकल चुके हैं ध्रुव को लेने के लिए, वो बेंगलोर से आ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और लेने के लिए जा रहे हैं मैं, पापा और मेरा भाई, और एयरपोर्ट आ भी चुका है। सो फाइनली आ चुके ध्रुव सूरत। हेलो, कैसे लग रहे मेरे हैं? बहुत मस्त। अच्छा, और अभी हम निकल चुके घर जाने के लिए। केम चुप हुआ। क्या खा रही है अनाया? क्या खा रही है अनाया? राइस खा रही है। पापा का फेवरेट खा रही है। मेरे पापा को भी राइस पसंद है, इसलिए मैं भी राइस खाऊंगी। अभी राइस सेरेमनी हो गई तो अभी राइस ही खाना है। क्या कर रहे हो? बैठ रही हूं। आपके जमाई आ गए? हाँ, हमारे जमाई आ गए। ले अबे लज्जा फुइन दे, लज्जा फुइन दे, मजा आ ताली। ए ताली ताली। सो अभी हम देख रहे हैं खतरों के खिलाड़ी, और मुझे ये सालिन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे बिग बॉस टाइम से बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी देख रहे हैं हम वो। बस अभी हम देख रहे थे खतरों के खिलाड़ी, तो ये ब्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।